तो रात के बजे एक नींद आ रही थी, सोने का मन हो रहा था, पर अफसोस करने का मन बिल्कुल नहीं है और हमें अफसोस करना नहीं आता, इसलिए सोते सोते जाग गए और जागते जागते सो रहे हैं और ब्लॉगिंग चालू कर रहे हैं। जा रहे हैं कोलकाता के एक भव्य पंडाल में, मिलते हैं वहाँ। चलो ले जाता हूँ, फिलहाल हमें हावड़ा ब्रिज के अंदर। श्री भूमि पंडाल और शारदा एथलेटिक क्लब, ये दो ऐसे पंडाल है जो हम आज अटेंड करने वाले थे, बट एक पंडाल ऐसा दिखा है जो मोहम्मद भाई ने बताया, जो कहीं मुझे देखने को ही नहीं मिला। इतना बढ़िया होने के बावजूद क्यों पॉपुलर नहीं हुआ मुझे नहीं पता, पर हम आ गए। यार क्या थीम है, बोलूँगा नहीं दिखाऊँगा, यार क्या थीम है। ऑल द बेस्ट ब्रो, यू सी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ब्रो चैनल, देखना ठीक। हाँ तो उड़ते फिरते हम कहाँ आ गए पता है, भारत से हम आ गए, हम आ गए लंदन। कोलकाता में लंदन। सेकंड पंडाल श्री भूमि पंडाल, पूरे कोलकाता की प्राइड है श्री भूमि पंडाल। लास्ट टाइम यहाँ हुआ था बुर्ज खलीफा, है ना, बुर्ज खलीफा, तो उसके वीडियो भी वायरल हुए, पंडाल भी वायरल हुआ था,
मतलब जोर शोर से लास्ट ईयर मनाया गया था, उसके पहले केदारनाथ की थीम पे यहाँ पंडाल बनाया गया था। सो जब से केदारनाथ आया, बाद में आया बुर्ज खलीफा, सो इस बार की थीम है वेटिकन सिटी। अब वेटिकन सिटी क्या है उसके बारे में दिलचस्प बात है, बस चलते चलते मैं बताऊंगा, सो बने रहिए। तो वॉच टावर में आप टाइम देख सकते हो, हम 3 बजे एंटर हो रहे हैं। अब एग्जिट कब होंगे, कितने बजे होंगे आप जरा सोच के रखिए, हम अंदर जाते हैं फिर रिटर्न होके आपको बताते हैं। तो लेक टाउन में ये जो क्लॉक टावर है वो देख के लग रहा है कि हम लोग लंदन में आ गए हैं, उस टाइप का है टावर। देख लीजिए आप, कलर भी बदलता रहता है। पास आ गए हैं फाइनली, वेटिकन सिटी के काफी पास है। ये रही वेटिकन सिटी, चलो देख। जिसका एरिया है 100 एकड़, उसका पंडाल बनाया गया है। तो ये थी इंफॉर्मेशन, ये देखो हम आ गए। लास्ट पंडाल आज का शारदा एथलेटिक क्लब, थीम है लाल किला, और जो यहाँ लेजर्स होता है ना, चलो दिखाता हूँ। तो यहाँ पीछे जो लाल किला दिखाई दे रहा है उस पे होता है लेजर शो, बट अभी शो होगा कि नहीं आज पता नहीं। तो ये पूरा है ना थर्मोकोल से बना हुआ है, ऊपर तक थर्मोकोल से बना हुआ है सब कुछ। आपको क्या लगता था फाइबर से बना होगा? नहीं, मुझे लगा कि फाइबर से बना होगा, पर यहाँ देखो थर्मोकोल दिखाई दे रहा है। ये तो अद्भुत। डालो मेरी कुछ।
तो ये पंडाल में सबसे मेन देखने जैसी चीज है वो है यहाँ का लेजर शो जो लाल किले पे होता है। लेजर शो में यहाँ फ्रीडम फाइटर्स के फोटो बताए जाते हैं और काफ़ी बढ़िया सी लेजर लाइट की जाती है, मैंने वीडियो में देखा था इसीलिए यहाँ मैं आया था। बट पता नहीं लेजर शो क्यों नहीं चालू, किसी को पूछना तो पड़ेगा। अब बात हुई ऐसी कि ये जो दिल्ली का लाल किला है तो ये लाल किला वाला पंडाल कोलकाता में दो जगह है, एक था सालदा रेलवे एथलेटिक क्लब जहाँ मैं जाके आया और एक था संतोष मित्रा स्क्वायर जहाँ मुझे जाना था पर गलत फहमी से मैं यहाँ पहुँच गया। वेलकम टू कोलकाता पंडाल। तो फ्रेंड्स हम वो जरा रॉन्ग वे में घुस गए थे, असली वो लेजर वाला पंडाल है यहाँ निर्गुल तला में। तो ये है वो लेजर लाइट शो वाला लाल किला। पंडाल एक ऐसी जगह है कि अगर आप घूमना चालू करोगे तो रात से घूमना चालू करोगे तो यहाँ सुबह हो ही जाएगी। अब समस्या ये हो गई थी कि हो गई थी सुबह, बारिश भी गिरी जा रही थी और लेजर शो वाली लाइट अटकी जा रही थी। मुझे ट्रेन से रवाना होना था और ये लेजर लाइट देखना मेरा छूट जाने वाला था, पर खुश नसीब है वो लोग जिनके साथ ऐसे मित्र होते हैं। हमारे मित्र ने वादा किया कि मैं घर तक पहुंचूंगा उससे पहले वीडियो मेरे पास पहुंच जाएगा और वो वाकई में पहुंच गया। तो फिर आ गया मेरे पास वीडियो, तो एंजॉय करो लेजर लाइट शो।